जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक नवीनतम आदेश के बारे में, जो 6 अक्टूबर 2022 यानी आज ही जारी हुआ है। और इस आदेश में कहा गया है, हाजिरी ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम के संबंध में, अर्थात अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन हमको दर्ज करनी होगी। साथियों, आदेश में आगे में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शाला जाने योग्य बच्चों का शाला में नामांकन, शाला में उपस्थिति एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदाय करने का प्रावधान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता में लेते हुए अध्ययनरत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उपलब्धि हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में अब ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके उद्देश्य हैं छात्रों की दैनिक उपस्थिति हेतु सिस्टम विकसित कर छात्रों की औसत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्रभावी बनाना, कमजोर उपस्थिति वाले छात्रों की जानकारी एकत्रित कर कारणों का अध्ययन करते हुए युक्तियुक्त समाधान तैयार करना और मॉनिटरिंग तंत्र को प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाना। तो ये उद्देश्य हैं। ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम के लिए प्रक्रिया क्या होगी? विभाग द्वारा हाजिरी ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे एम शिक्षा मित्र ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या अपडेट करके, अगर पहले से डाउनलोड है तो हम उसे अपडेट करेंगे, तथा हाजिरी मॉड्यूल के माध्यम से शाला के जो प्रधान अध्यापक हैं या शाला प्रभारी हैं, वे बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। तो साथियों, पूर्व से ही हमारे पास एम शिक्षा मित्र ऐप डाउनलोड है, इसमें ही हमको हाजिरी मॉड्यूल में जाकर के शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना है। इससे पहले उस स्कूल में पदस्थ शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक की जानकारी HRMIS से उपलब्ध होगी। यह देख लेना है कि हमारे विद्यालय में कोई ऐसा शिक्षक तो पोर्टल में नहीं दिखा रहा है जो वास्तव में कार्यरत नहीं है, या ऐसे शिक्षक जो नए आए हैं तथा जो पोर्टल में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उन्हें DDO से संपर्क करके जानकारी को अपडेट करना होगा। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सामान्यतः मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता नहीं होने के कारण मोबाइल ऐप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जिससे इसे ऑफलाइन उपयोग किया जा सके। ये बहुत अच्छी बात है। यूज़र नेटवर्क एरिया में आने पर डेटा स्वतः अपलोड हो सकेगा। ऐप के माध्यम से दैनिक रूप से की जाने वाली गतिविधियां, शाला के प्रधानाध्यापक, शाला में पदस्थ शिक्षक एवं बच्चों की प्रतिदिन हाजिरी मॉड्यूल ऐप के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के 1 घंटे के अंदर छात्रों की उपस्थिति दर्ज करेंगे। इससे बच्चों की शाला में प्रतिदिन उपस्थिति ज्ञात हो सकेगी। किसी कारण से अगर लेट हो जाते हैं तब भी सायंकाल 5 बजे के बाद बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकेगी। ऐप पर कक्षावार शाला में दर्ज बच्चों की जानकारी समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज नामांकन अनुसार उपलब्ध होगी। मोबाइल ऐप की उपयोगिता, हाजिरी ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम का डैशबोर्ड अलग से होगा, जिससे प्रतिदिन साप्ताहिक एवं मासिक उपस्थिति का जिलेवार, विकासखंडवार, स्कूलवार डेटा प्राप्त कर उसकी समीक्षा करते हुए कमजोर उपस्थिति वाले जिले, विकासखंडों के लिए प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे। कमजोर उपस्थिति वाली शालाओं को चिन्हित कर शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं स्थानीय निकायों के सहयोग से उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा सकेंगे। उपस्थिति के आधार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धि स्तर का भी विश्लेषण किया जा सकेगा। दैनिक उपस्थिति के आधार पर मध्यान्ह भोजन योजना की भी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। तो हाजिरी ऐप के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों की हाजिरी लगाने से इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी। अतः समस्त जिले मध्य प्रदेश शाला के प्रधानाध्यापक, संस्था प्रभारी दिनांक 11 अक्टूबर से प्रतिदिन विद्यालय में पदस्थ शिक्षक एवं छात्रों की 100% उपस्थिति ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज कराना सुनिश्चित करें। तो साथियों, इस तरह ये आदेश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू एस के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आशा है आज के कालखंड में दी गई यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसे अपने सभी साथियों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।